आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विलमर पार्क बिनोई में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम ने एक विकेट से मैच को अपने नाम करने के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने अंडर 19 टीम 48.5 ओवरों में सिर्फ 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम एक समय पर 164 के स्कोर तक अपनी 9 विकेट गवा चुकी थी, लेकिन आखिरी में टीम ने एक विकेट से मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाबी हासिल करने के साथ मैच 5 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया। अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत से होगा। दोनों टीमों ने अभी तक मौजूदा टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गवाया और फाइनल तक का सफर तय कर लिया है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच फाइनल में रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। भारतीय टीम की कमान उदय सारन के हाथों में है, वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान ह्यू विकबेगिन हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना है। ये पिछले 8 महीनों के अंदर दोनों टीमों के बीच तीसरा आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल है। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीनियर मेंस टीम के बीच साल 2023 जून के महीने में WTC का फाइनल खेला गया था। वहीं नवंबर 2023 में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था। वेस्टइंडीज ने साल 2012 और साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्टइंडीज की धरती पर खेला जाना है। इसी बीच वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर और अपनी टीम के लिए दोनों T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले आंद्रे रसल ने अपने संन्यास पर बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि आगामी T20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा, इसके बाद वे संन्यास लेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए कुल 9 टीमें जमकर मेहनत कर रही हैं। इस वक्त WTC की पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर मौजूद है, वहीं दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है। अब इन दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस महीने के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की अहम सीरीज के लिए 14 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की है। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन बेलेरिव ओवल हुबार्ट में होना है। इस मुकाबले के साथ ही डेविड वार्नर की T20 टीम में वापसी हो रही है। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों के नजरिए से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु ने पिछले कुछ समय से बैडमिंटन कोर्ट में अपने स्तर के अनुसार प्रदर्शन करने में कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। पिछले 2 साल में पीवी सिंधु को अपने खराब फॉर्म और चोटिल होने की वजह से जूझना पड़ा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिंधु का बायां घुटना चोटिल हो गया था, जिसके बाद वे साल 2023 में फ्रेंच ओपन के दौरान भी चोटिल हो गई थी। सिंधु ने अब कोर्ट में फिर से अपनी वापसी को लेकर PTI को दिए अपने बयान में कहा है कि इस बार ओलंपिक में अलग तरह का अनुभव मिलने वाला है, क्योंकि साल 2016 और 2020 का ओलंपिक पूरी तरह से अलग थे। पेरिस ओलंपिक अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन मैं अब अधिक अनुभवी हो गई हूं और इस बार मुझे अधिक होशियारी के साथ खेलना होगा। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट अपने नाम किए थे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी माइकल क्लार्क ने उन्हें लेकर बड़ी बात कही है। क्लार्क के अनुसार दूसरे टेस्ट मैच में एक सपाट बल्लेबाजी पिच पर जिस समय ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, जेम्स हेंडरसन ने शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह के लिए आप क्या ही कह सकते हैं, वे एक अफलातून खिलाड़ी हैं। उन परिस्थितियों में उस तरह के कौशल का उपयोग करना जो तेज गेंदबाजी के लिए अनुकूल नहीं है, ये सब कुछ अविश्वसनीय है। साउथ अफ्रीका T20 लीग के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में मिली हार के बाद जोबर्ग सुपर किंग्स टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। यह मुकाबला डर्बन सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला गया था, जहां डर्बन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए, वहीं जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम सिर्फ 142 रन पर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ डर्बन सुपर जायंट्स ने यह मुकाबला 69 रनों से अपने नाम कर लिया। अब टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला डर्बन सुपर जायंट्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक आयोजकों ने पदकों के डिजाइन का खुलासा कर दिया है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक में प्रत्येक गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक में एफिल टावर से लिए गए लोहे का एक हेक्सागोनल पॉलिश किया हुआ टुकड़ा लगाया जा रहा है। ओलंपिक हर बार अपने मेडलों को लेकर इस तरह से चर्चा में बना रहता है।